जिस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल तुहाडा स्वागत साडे खास प्रोग्राम वाइट हाउस टू योर हाउस ये प्रोग्राम तुहाडे लई स्पैशल नवा शुरू किया है इस इलैक्शन ईयर दे विच बिकॉज सानू ये लग रहा है कि साडी कम्यूनिटी पॉलिटिक्स विच यस माहिर बहुत हैगी साडी कौम लई पॉलिटिक्स एक बहुत ही खास जगह रखती है साडे दिलों आपां पॉलिटिक्स दे विच जुड़े हन बट इस कंट्री दे विच पॉलिटिक्स दा जो खेड है वो कभी कभार साड़ी कौम ले इन्ने मायने नहीं रखता इस साल ऑफकोर्स प्रेजिडेंशियल इलेक्शन होन जा रहा है हर एक बंदा ट्रंप ते बाइडन की गल कर रहा है बट नवंबर 3rd नू जो तुसी अपनी वोट पान जाओगे अगर तुसी वोट पा सकते हो तुसी रजिस्टर्ड होवो तुसी देखोगे उस बैलेट ते सिर्फ ट्रंप ते बाइडन दा नाम नहीं होना उस बैलेट ते डिपेंडिंग तुसी कित्थे रहंदे हो वक वक होर पॉलिटिशियंस डाउन बैलेट सेनेटर्स कांग्रेसमैन लोकल सिटी काउंसल स्कूल बोर्ड मैंबर्स हर एक तरह दे पॉलिटिशियंस होने हैं तुहाडे लोकल पॉलिटिशियंस बारे तुहानू किन्नी क जानकारी हैगी तुहानू पता है तुहाडा लोकल कांग्रेसमैन कौन है तुहाडे बच्चियां दे स्कूल बोर्ड ते कौन बैंदा है इन चीज़ों की जानकारी ये चीज़ें तुहाडे डे टू डे लाइव डिटरमिन करती है इहदी जानकारी एंड ये किस तरह लोकल लैवल तो फैडरल लैवल तक तुहाडी लाइफ नूं इंपैक्ट करती है इहदे लई ही ये शो शुरू किया है पिछले हफ्ते इस शो की शुरुआत आपां कीती सी रिचमंड हिल न्यूयॉर्क तो जो साडे पंजाबियों लई एक गढ़ है जदों आपां इस कंट्री विच आए काफ़ी सारे पंजाबियों की शुरुआत उस ही जगह तो हुई तो साड़ी शो की भी शुरुआत उतों हुई बट अज आप पहुँचे हाँ मिड वैस दे विच इन इंडियानैपोलिस इंडियाना इस थान दे विच साडे पंजाबी पिछले 50 ईयर्स तो वध तो सैटल हुए हैं टुडे वी हैव समथिंग लाइक 30,000 पंजाबी एक्सक्यूज मी 10,000 पंजाबी फैमिलीज एंड येट जो इत्थे दे लोकल पॉलिटिक्स हैं उत्थे सानू इन्नी ज़्यादा अपनी पहुँच नहीं दिख रही सो इस करके आप इत्थे पहुँचे हैं कम्यूनिटी जरूर इत्थे पहुँची हुई है साडे नाल इस प्रोग्राम दे विच जिस तरह पिछले हफ्ते तुहानू दस्या सी बहुत ही स्पैशल पैनल जुड़िया जो कम्यूनिटी लीडर्स का बनया हुआ एंड ऑफकोर्स कम्यूनिटी के वक् वक् मैंबरस भी इत्थे पहुँचे हैं एंड ऑफकोर्स सारे ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नू मद्देनज़र रखते हुए इत्थे अपनी प्रेजेंस जमाई है सो बिफोर वी गैट स्टार्टेड मैं तुहानू सारिया दे नाल इंट्रोड्यूस करांगी अज दे शो दे विच स्पैशल लाइव प्रोग्राम तुहाडे नाल 2 घंटे पेश करांगे तुसी जरूर साडे नाल जुड़े रहो तुसी अपने क्वेश्चंस फेसबुक ते साडे नाल पोस्ट कर सकदे हो उहनां दे भी आपां आंसर जरूर लवांगे बट बिफोर वी गैट स्टार्टेड क्योंकि आपां इंडियानैपोलिस पहुंचे हुए हां आई हैव टू गिव अ स्पैशल स्पैशल शाउट आउट साडी कौम दे विच इस कम्युनिटी दे विच तां उहनां नूं पिलर मन्निया ही जांदा है बट साडी सिख कौम लई साडे नाल अज इस प्रोग्राम दे विच खास पहुंचे हन प्रोफेसर निरंजन सिंह टेसी जी मैं टेसी जी नूं उहनां दी फैमिली नूं वेलकम कर दी हाँ एंड मैं कहना चाहती हाँ कि अजकल सारियां नूं गूगल की बहुत आदत पै गई है बट ये एक इहो जिहे इंसान हन जो एक ह्यूमन इनसाइक्लोपीडिया है किना किना लई इन्हां ने अपनी विजडम शेयर की मेरे परसनल मैंटर जो मैं इन्हां नूं हमेशा यूज़ करती हूँ जो मैनूं किसी भी चीज़ की क्वेश्चनस हुंदे हैं सो सब तो पहले मैं उन्हां दा स्वागत करती हाँ उन्हां दी सिस्टर कमल जी एक छोटा जिहा मैसेज साडे नाल शेयर करेंगे प्रोग्राम की शुरुआत लई कमल जी कमल जी मैं रिक्वेस्ट करांगी टेक टीम तुहानू एक माइक फड़ाए ताकि तुसी साडे नाल ए मैसेज जरूर शेयर कर सको ए मैसेज खास प्रोफेसर टेसी वालों आ रहा है आई एम सो ग्लैड तुसी साडे नाल ए चीज सांझी कर सकते हो साडे व्यूअर्स दुनिया भर इस मैसेज नू सुनना चाहते हैं प्लीज़ वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह सब तो पहला तो मेरे वालों भी तुहानू बहुत बहुत जी आया मैं वैसे शिकागो तो आई हाँ तो एक्चुअली भाजी की थान पर मैं तुम मैसेज उन्हों का मैसेज मैं तुम दे रही हाँ मेरे वालों भी तुम बहुत बहुत वधाई तो ताड़ी दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की हो भाजी ने लिखा है कि जस्ट पंजाबी दे तमाम दर्शकों नू फतेह अर्ज करता हाँ जस्ट पंजाबी दी समुची टीम नू जी आया कहिंदा हाँ इस मौके ते हाजिर शानदार ते जानदार संगत नू इस एकत्रता लई वधाई दिंदा हाँ दिनों दिन प्रगति कर रही अशमिता नू असीस दिंदा हाँ बीबी पैनी संधु नू पंजाब ते बाहर वधिया वसी पंजाबी कौम लई शानदार प्लेटफार्म सिरजन लई वधाई दिंदा हाँ लखबीर सिंह जौहल ते साथियां नू इस बैठक दे प्रबंध राही वधाई दिंदा हाँ
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ। थैंक यू सो मच कमल जी। प्रोफेसर ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂ ਬੀਇੰਗ ਹੇਅਰ। ਹੁਣ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਈ ਡੂ ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪੈਨਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਅਨਦਰ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੰਡੀਆ ਪੈਲਸ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟਡ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅੱਜ ਪੈਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਨੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਸਿਕਸ ਪੈਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਨੋਨ ਫੋਰ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਐਂਡ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚੇਂਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਇਨ ਯੋਰ ਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ TSA ਜੋ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਿਨਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ, ਉਹ ਪੋਲਿਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੀਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਐਕਟਿਵ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਹਨ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਮਿਸਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਐਂਡ ਆਫਕੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਆਫਕੋਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਬੋਥ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਬੀਇੰਗ ਹੇਅਰ ਵਿਦ ਅਸ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੇਅਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੰਗੇਜ ਹੋਵੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫਿਲੋਸਫੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਬਟ ਅੰਡਰ ਦੀ ਵੈਦਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਹ ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਏ ਉਹ 'ਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100-125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿਓਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ। ਦੇ ਨੈਵਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਟੂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਅਨਨੋਨ, ਇਫ ਪੀਪਲ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਹੂ ਵੀ ਆਰ, ਵਟ ਆਵਰ ਟਰਬਨ ਸਟੈਂਡ ਫੋਰ, ਵਟ ਐਵਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟੈਂਡ ਫੋਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਐਫਰਟਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਲਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਫਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਕਲੂ ਹੂ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਨੈਵਰ ਰੈਡ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖਸ।
सो इस करके पिछले 10-12 सालों तो यही एफर्ट चल रहा है कि साड़ी जी सिख हिस्ट्री है पब्लिक स्कूल जाए ताकि लोगों को पता लगे, जो साढ़े फैलो सिटीजन ने उन्होंने पता लगे भी सिख कौन ने ताकि साढ़े बारे जागरूक हो सकन। तो इस करके उदों के काफ़ी टाइम तो लगे हुए हैं। फिर इतों की जी कम्यूनिटी है खास करके इंडियाना के जी कम्यूनिटी है बड़ा वो सहयोग मिला कि असी पिछले 5 सालों तो ना केवल इंडियाना बल्कि होर 8-10 स्टेटा के वी वर वेरी सक्सैसफुल टू इंट्रोड्यूस सिख हिस्टरी इन टू द पब्लिक स्कूल। आई एम सो ग्लैड गुरिंदर जी तुसी ये सिख हिस्टरी एजुकेशन दे विच दा मुद्दा छेड़िया है, बिकॉज ये जो एक चीज़ है दिस स्पेसिफिकली रिक्वायर्स कि तुसी अपने लोकल ऑफिशल्स दे नाल रल के उनानू ए कन्विंस करो कि क्यों क्यों उनानू करिकुलम चेंज करना चाहिए, क्यों साडी इन्वॉल्वमेंट वो होनी चाहिए। एंड यू कैन आर्ग्यू दैट इज़ नॉट इनफ कि तुसी उनां दे नाल रल के उनानू ए चीज़ दसो, इट शुड बी आर्ग्यूड दैट साडी कौम दी उत्थे टेबल ते वॉइस होनी चाहिए है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बड़ा तुसी बहुत ही अच्छी जिहड़ा गल कीती है कि one you are a beggar, you're literally begging them to have introduction of Sikh history. Other thing is you be part of the process, you know, if you're not on the table you're in the menu, and that's what it is. Our political involvement is very important ji, aur ode vich jis tarah hona sante we are so proud, sanu te ek bahut vadda sade vaste te ek chanan mana raha sada gawandi jehda mulk hai canada ode vich dekho sikhan ne kinniyan mullan mariyan ne aur sikhan di abadi utthe america ch jinne sikh ne tu ghat abadi utthe, lekin ajj utthe 5 cabinet mantri ne सेंटर दे विच ने और स्टेटां दे विच ने सानू उहदे चों सगों सानू तां शेरां दी कौम असीं तां अजी तां एक वी 1.25 लाख आ, मतलब कि इफ वी हैव वन रिप्रेजेंटेशन इट मीनस वी आर 1.25 लाख इन द ऑन द टेबल, सो सानू तां अपनी वी अंडरमाइनिंग आवर 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 स्ट्रेंथ जी। थैंक यू सो मच गुरिंदर जी, तुसीं जिस जज्बे नाल बोल रहे हो आई विश एवरीवन हु इज रिप्रेजेंटिंग आवर कम्युनिटी इन द लोकल लेवल इन पॉलिटिक्स हैज द सेम जज्बा। परम जी जी मैं तुहाडे नाल हुण शुरू करना चाहुंदी आ, साड़ी कौम दी जो साड़ी रिलीजियस कोर हैगा ओ चीज़ां साड़े लिए नॉर्मल हन, जो साड़े कौम तो बाहर लोकी हन ओ कहंदे कि वाह तुसी लंगर दिंदे हो, तुसी इन्नी सेवा करदे, तुसी गुरुद्वारे दे प्रधान रह चुके हो ग्रीनवुड दे विच, किस तरह जो साड़ी साड़े लिए रेगुलर चीज़ां हन साड़ी सिक्खी दा ए नॉर्म है, ये चीज़ों को किस तरह साड़ी कम्यूनिटी लोकल लैवल से इतने नॉन सिखा नॉन साउथ एशियंस के वरत के ये चीज़ को अगे हाईलाइट कर सकती है तुहाडे ख्याल च? सब तो पहला जस पंजाबी देख रही समुची समूह संगत देश प्रदेश जिते बैठे आ, मेरे वालों वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो तुसीं बहुत वधिया सवाल चक्या अश्वथ जी भी असी अपनी कम्यूनिटी को रीप्रजेंट किदां करना, वो असी 2006 जिते मूव हुए थे पहला न्यूयॉर्क ही असी जिदा तुसी पहला बोलिया हर एक बंदा न्यूयॉर्क तो ही उठ के इधर आया, असी न्यूयॉर्क से उत्थों न्यूयॉर्क तो आए हैं, उधर लाग लगी सी गुरु घर सेवा करन दी उत्थों इहो शुरू इत्थे आके कीता। तो असी वख वख प्लेटफार्मां विच जिदा 4 जुलाई परेड होंदी आ असी उहदे विच पार्टीसपेट करदे जाके वी असी गोरियां नूं दस रही है, क्योंकि असी अपनियां जिहड़ियां नगर कीर्तन करते हैं वो तो डिफरेंट चीज़ हो गई ना, असी गोरियां दीआं परेड भी जाके किदां आ जिहड़ी 4 जुलाई की परेड आ उहदे विच जाके असी अपना फूड फ्री फूड वो कहिंदा वाओ तुसीं फ्री वंड रहे हो, तो असी फ्री फूड उहनां दे विच वंडदे आ, असी उहनां दे विच जाके हिस्सा लैंदे आ, उहनां दे प्रोग्रामां दे विच जा रहे हैं, है ना। तो ये साडा जो कुछ भी आ, क्योंकि असी सब तो पहला जो असी जदों इत्थे 2006-07 च आए हाँ उदों सिख कम्यूनिटी थोड़ी घट सी, उस तो बाद पापूलेशन वधी, जिदा 10,000 फैमिली इतने पहुँच चुकी है, 10 तो भी 12 मेरा ख्याल ज़्यादा 12-14,000 फैमिली पंजाबी सिख इस टाइम हो गया, 7 गुरुद्वारे इस टाइम इतने है, तो सारे गुरुद्वारे आपो अपने हो सारे गुरुद्वारे ही इस चीज़ पर बहुत जोर दे रहे हैं, तो साड़ी जी परंपरा लंगर की चलती आ रही है वो तो शुरू तो चलती आ रही है, असं कितें भी जाके बैठीए कितें भी सिख जाके बैठे उसने शुरू सब तो पहला ये लंगर की परंपरा शुरू करनी है, ये भी साडा बहुत तगड़ा मैसेज आता है, क्योंकि हुण बहुत मैं देख रहा कैलीफोर्निया न्यूयॉर्क गुरुद्वारे के जो भी आ जो कोविड 19 के इन्नी लंगर की सेवा इन्ना ना साडा थैंक स्पैशल जो फायर ब्रिगेड पुलिस वाली गड्डिया आ के भी वो थैंक यू कर आए उन्होंने एप्रीशिएट कर आए साडा यही ही मैसेज आ भी असी दूसरी कम्यूनिटी के जाके अपने बारे आप कुछ भी आ जिन्ना भी हैगा तुसी अपनी टर्बन बारे या कुछ भी है तुसी दसना आ, जे तुसी पूरी इंग्लिश दी नहीं प्रॉपर तुसी अपने पैम्पलेट छपा लो, तुसी अपने साडे जिन्ने भी आ सरदार
सिख भरा जिन्हें भी ट्रक ड्राइवर आ पूरी दुनिया के घूमते हैं अपने एप तो पैंपल छपाई हो कुछ भी आई अपने नहीं बारे दस सकते अपना पेपर दो भाई असं यह होंगे साड़ी आ गया साड़ी यह बैक हॉस्ट्री आसी आ मल्ला मारियाँ यह कुछ करना असी कर रहे हैं। परमजीत जी तुसी ता प्रोग्राम दी शुरुआत ही ऑलरेडी कॉल टू एक्शन देता होमवर्क देता दैट्स अ रियली गुड सजेशन जो तुसी कही कि सानू अपनी जानकारी लोगों नू देनी पैनी है उन्हां नू कोई शौक नहीं है साडे बारे सीखण दा सानू सिखाना पैना है। इहदे नाल एक छोटी जी ब्रेक रुकदे तुसी किथे ना जाओ साडे नाल जुड़े हुए लोकल कम्युनिटी मैंबर्स उन्हां तो भी गल करांगे ब्रेक तो उस पार। ब्रेक तो बाद सारे दा स्वागत है तुसी वेख रहे हो साडा नवा प्रोग्राम फ्रॉम द वाइट हाउस टू योर हाउस। किस तरह तुसी लोकली अपने पॉलिटिक्स विच जो चीज़ां तुहाडी डे टू डे लाइव्स नू अफेक्ट करदी हैं जो लोकी वो डिसीजनस बनांदे हैं तुहाडे लोकल कांग्रेसमैन काउंसलमैन स्कूल बोर्ड मैंबर्स उन्हां दे नाल राबता कायम करके उस पोजिशनस दे विच पहुँच के किस तरह तुसी अपनी लाइफ नू चेंज कर सकदे हो ताकि वाइट हाउस तक भी साडी ट्रजैक्टरी पहुँचे साडी कौम दी। अज ये शो हो रहा है इंडियानैपलिस तो इंडिया पैलेस लखविंदर सिंह जोहल जी ने अपनी जगह सानू दित्ती है साडा प्रोग्राम इत्थे होस्ट कीता सो थैंक यू टू हिम अगैन। साडे नाल एक बहुत ही वधिया पैनल इत्थे मेरे नाल स्टेज ते पहुँचा एंड ऑफकोर्स साडे नाल कम्यूनिटी लीडर्स मैंबर्स एवरेज सिख अमेरिकनस इत्थे पहुँचे to be a part of this very important program. Ek latecomer sade naal hun panel te join kar rahe the main unna de naal e segment shuru karna chahungi. Please join me in welcoming Mr. Darshan Singh Darar ji. Darshan ji, tuhadi lateness apa maaf karde haan because tusi is community vich vi to vadh saalan to vase ho. You are a leader social cultural programs de vich hamesha tuhada involvement hundi hai, tuhadi support backing hundi hai. E community tuhanu bahut hi thankful hai is cheez layi. So thank you for joining our program. दर्शन जी तुसी ऑफकोर्स इत्थे इन्ने पुराने तो रह रहे हो यू मस्ट नो कि साडी कौम लई किन्ना कि इंपॉर्टेंट है साडी कौम तो बाहर होर वक्री कम्यूनिटीज़ दे नाल कम्यूनिटी मैंबर्स दे नाल विचरना उन्हां नू दसना कि आपां कौन आ किस तरह आपां दसदे हां फ्रॉम योर परस्पेक्टिव ये चीज़ तुसी किस तरह अकॉम्पलिश कीती अपने इन्ने सालां विच जो तुसी इत्थे रह रहे हो इंडियानैपलिस विच। सब तो पहला तो भैन जी मैं बेटी कह लो मैं जस पंजाबी टीम का बहुत धन्यवाद करता जिन्हें सानू मौका दिता इत्थे मेरे छोटा भरा लखवीर सिंह जौहल मैनू कल ही फोन किया भाजी ने कि भाजी तुसी आना उत्थे परमजीत भाजी सिद्धू साहब गुरिंदर भाजी आलूवालिया साहब साडा एक बड़ा भाई हुंदा सी छोटा भाई सी रियाड़ साहब जिन्हां दी बदौलत असीं जस पंजाबी नूं जानन लगे सी तो शायद वह भी तुहाडी टीम का मैंबर है हुण हैगा जां नहीं हैगा मैनूं पता नहीं मैं क्योंकि 6-7 महीने तो मैं नहीं देखिया उन्होंने ना तो सारे नाल साडे बहुत वधिया संबंध आ मैं सारे का गिरदयाल अंकल जी ढेसी अंकल जी अक्सर इन्हों देखते होंगे से इन्हों तो असीं काफ़ी सीखते होंगे सके सारे तो होर भी मेरे बड़े पतवंते बैठे ने इत्थे मैं कहता कहता थैंक यू करा बाकी भैन जी इत्थे जिहड़ी तुसीं गल कीती आ कम्यूनिटी विच विचरन दी आपां नूं हाँ पार्ट्स तां लैणा पैगा इत्थे दी पॉलिटिक्स विच गुरिंदर भाजी हुणी वधिया जॉब निभा रहे आ है ना परमजीत भाजी हुणी अपने तौर पर निभा रहे हैं गुरुद्वारा साहब के सारे जने असीं जोर ला रहे हैं सानू पोलिटिकल पार्टी के भी आना चाहिए आ उधर सानू साडी पग की पहचान बनूगी सानू फर्क पऊगा लोग जो सानू अतवादी कहिंदे आ असीं अज दसांगे भी आर एस एस अतवादी आ ना कि सिख अतवादी आ जिहड़ी आर एस एस आ सानू वह अतवादी दसदे आ ना इंडिया के असली अतवादी तो आर एस एस आ जी अब तुहानू अमेरिकन मीडिया ने भी कह दिता भी आर एस एस अतवादी है। दर्शन जी इत्थे दी गल करो इत्थे सानू होर कम्यूनिटीज़ नाल किस तरह इनवॉल्व होना चाहिए जिस तरह तुसी इत्थे इनवॉल्व होए तुसी 20 तो वध सालां दे इत्थे रह रहे हो तुसी किस तरह नॉन सिख कम्यूनिटीज़ दे नाल अपनी रिलेशनशिप बनाई। नहीं नॉन सिख नाल तां तुसी वधिया काम करो मेहनत करो भले दे काम करो सारे बंदे तुहानू वधिया कहणगे जी जी तुसी पग खास करके तुसी पग बन लैने सिर ते फिर तां तुहानू तुसी इक कदी सोचो भी ना भी मैं कोई गलत काम करन बारे सोच भी नहीं सी सकदी क्योंकि पग गुरु गोबिंद सिंह जी होना दी साडी दित्ती दस्तार है जी जी जदों असीं बंधदे आ तां असीं इह कहिंदे असीं उहदे पुत्ते आ सपूत आ जी जी ठीक है ना जी
जी दर्शन जी थैंक यू सो मच तुसी साडे नाल जुड़े इस पैनल ते जरूर तुहाडे नाल होर क्वेश्चंस मैं पूछांगी बट हुण मैं जाना चाहती हाँ साडे नाल जो पहुंची हुई ऑडियंस है एंड ऑफकोर्स जिथे गल हो रही है वक्री कम्यूनिटीज़ दे नाल मिंगल करन दी इस प्रोग्राम दे विच पहुंचे हन कुछ एक कम्यूनिटी मैंबर्स आई वॉन्ट टू किक इट टू हरकीरत साडे नाल सब तो पहले मैं चाहवांगी हरकीरत लेट्स टॉक टू मिस्टर वाप असली प्रेजिडेंट एंड काउंसलर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 11 हरकीरत बिल्कुल वाइट हाउस टू योर हाउस दे राही अश्मिता जानना बेहद जरूरी है कि इंडियनापलिस असी पहुंचे हैं लेकिन दर्शकों की जानकारी लिए दस दिए कि 1873 तो लैके 1933 तक 13 कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट इंडियाना दे विच जो कि फिफ्थ लार्जेस्ट डेलीगेशन वाइट हाउस दे विच रीप्रजेंट करती है करती सी तो दर्शकों यह भी दस दिए कि 1853 तो लैके 1873 तक फिफ्थ लार्जेस्ट डेलीगेशन ने रीप्रजेंट किया अश्मिता एक बहुत खास गल हैगी है इस सैवंथ कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट इंडियाना दे विच 9 कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट ने जिन्हां दे विच 7 रिपब्लिक दे रिपब्लिकन पार्टी दे कोल ने और 2 कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेट्स दे कोल ने जिथे असी इस टाइम खलोते हुए हां दिस इज अ सैवंथ कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट और इहदे जिहड़े कांग्रेसमैन हन एंद्रे कार्सन उन्हां दे बारे मैं जानकारी दे देवां 2008 तो लैके हुण तक प्रेजेंट वो इनकुमेंट ने उस तो पहला एक बहुत अहम गल यह भी जाननी जरूरी है उन्हां दी ग्रैंड मदर जूलिया कार्सन दे कोल ए सीट सीगी जो कि 4 साल उन्होंने रीप्रजेंट ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਬੁੜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਸ ਦਾ ਪਲੜਾ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 13 ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਹਨ ਸੋ 9 ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨ ਵੂਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਇਸ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਗੈਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਹੇਅਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਹਿਮ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਸਰ ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਟੂ ਯੂਰ ਹਾਊਸ ਫੋਰ ਜਸਟ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ First, I want that you should introduce yourself, sir. Well, thank you very much. My name is Vaap Osali, and I serve as the president of the City County Council here in Indianapolis. And one, it is an honor to be here this evening for White House to Your House at India Palace. One of the first things that I want to make sure that I say is the importance of us having an opportunity to vote. There is nothing that impacts the quality of life more so than local politics. And whether you are Republican or Democrat, the importance of having your voice counted. Now, I think there are many of us in this room here who maybe were not born in the United States. I was not born in the United States. But I do know the importance, however, of having my voice heard so that my family and those around me and my community actually are reflective of the values that I hold near and dear and sacred. So from White House to your house, I would encourage very much the engagement in local politics. Because that is where we live. And definitely, we can also see the, you know, diversity in 7th Congressional District here. And, you know, Andre Carson, who is representing right now in White House, what are the expectations from the Republican side? The expectations of the Republican side, I don't know that I can answer. I can tell you about the expectations from the Democratic side. And that is simply that we will have a country, and we will have a state, and we will have a city that is that embraces everyone. That does not exclude, that does not say that, you know, them versus us, but we should have a we. You know, this country was based on the acceptance of people from all over the place. From every country, from every continent. And that is the democratic value that we hold dear. And that is, I would say, from our own perspective. And in Indianapolis, this is a democratic city. In our council, 25 members, 20 are Democrats, 5 Republicans. We try to get along. We try to see things, you know, in a fair light. But at the end, I think the values that we hold are that we are inclusive. We should be inclusive. Before that, Julia Carson was serving. She was, you know, the grandmother of the incumbent congressman, Andre Carson. What do you have to say for her? I got to know her very, very well. And I would say that she was a leader who spoke her mind.
But what separated her from others was that she made a point of getting out into the community. She made a point of walking the streets. She made a point of living a very simple life so that she was approachable. And what people loved about her was that they could talk with her and express their opinions to her, and that she would listen and try to abide by the things that they thought were important, which is why she was so incredibly popular. So you can see the family values in the incumbent Andre Carson? Without question. He is the very same. Down to earth, simple, but accessible. And that is what politicians should be. We should be able to listen and to hear and then to implement what we've been told by our constituents. And that is what Andre is. So, bilkul. So, Andre Carson, jede ethe congressman ne, unna de jede grandmother sige, jive ethe unna ne dasya ke unna di family values jede hai, unna de grandson de vich bhi dikhdiya han. Par jad diversity di gal ho rhi hai ethe, so diversity di janan de lai saade ke naal kuch hor mehman bhi pahunche han, unna to bhi jankari le lene hai. Ma'am, how are you today? I'm doing well. Thank you for having me here. From the White House to our house. Thank you very much. First of all, I just want, please introduce yourself to our audience. Absolutely. My name is Mary Clark. I'm the executive director of the International Marketplace. The International Marketplace is a place on the west side of Indianapolis that is welcoming to all. We're home to over 100 different languages in this area. We like to tell people that if you come to this area and you get out of your car, you can leave the United States and travel the world without leaving Indianapolis. Thank you so much. So, ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਟੂ ਯੋਰ ਹਾਊਸ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਟੂ ਯੋਰ ਹਾਊਸ। ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨਐਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਪੈਲੇਸ ਵਿਦ ਮਿਸਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਫਕੋਰਸ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਲਈ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਟੋਲਡ ਮੀ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਵਾਈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਸਪਲਿਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਸ, ਲਿਬਰਲ, ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਾਂ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਡੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਅਮੈਰੀਕਨ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਫਸਟ, ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਰਗਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੈੱਡ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਂਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਮਜੋਰਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਮਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪੁੱਟ
always country first and then the party. We need to choose country over the party. Jis tarah ke sanu ye pata hai ki pichli term de vich vi jadon Trump aaya, main Republican hon de bawajood vi main Trump nu kadi vote nahi paayi. Pichli vari vi nahi paayi, hun vi nahi pa rya. Oda maqsad ye hai ki sanu leader oh chahida hai jehda saadi assi tin cheezan karke America de vich aaye haan. Sab to vaddi hai ki dignity and respect. Fir dooje number te hai ki safety and security. तीजे नंबर पर हैगी है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ अमेरिका अ सिटिंग प्रेसिडेंट हैज चैलेंज्ड द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑल दोस मिनोरिटीज इंक्लूडिंग इंडियन सिख्स. कोई भी ला लो एवरीबडी नोज दैट. सानू उत्थे जाने की लोड़ नहीं. मेरी तो हम्बल रिक्वेस्ट हैगी है कि चाहे तुसी रिपब्लिकन हो चाहे तुसी डेमोक्रेट हो एस टाइम इट इज़ ए डिफाइनिंग मोमेंट. तुहानू मैं हाथ जोड़ के बेनती करना मेरे सिख भाईचारे नू कि अपनियां जिहड़ियां छोटी छोटिया ने भी साडे बिजनेस दे विच आओ कम फायदा कर रहा नहीं कर रहा उहदे उत्ते उठ के देश वास्ते सोचो. जिथे कि असी अज जिहड़ा रिपब्लिकन होने के बावजूद भी असी वोट जी ट्रंप को नहीं पानी ये सब तो वड्डी जरूरत है. दूसरे पास कि जी गल क्वेश्चन जो मेन हैगा कि जी डाउन लाइन के वोटा वो जरूरी ने उदे विच मेरी रिक्वेस्ट है कि तुसी इंडिविजुअली हर जिहड़ा जिहड़ा कैंडीडेट है उन्होंने देखना है. पार्टी तो उत्ते उठ के तुसी देखना भी वो जिहड़ा कैंडीडेट है वो ओथेंटिक है वो हिपोक्रेट तो नहीं है वो इज ही वर्किंग फॉर सैल्फ इंट्रस्ट और स्पैशल इंट्रस्ट. जिहड़ा सर्वेंट लीडर है विद सर्वेंट लीडरशिप दे रहा तुसी उन्हों देखना है. साड़ी दे असी तो यही चाहते क्योंकि साड़ी जिहड़ी गिनती है बड़ी घट है लेकिन वो बावजूद भी लोकल लैवल दे उत्ते किहड़े जिहड़े ने जिहड़े स्कूल बोर्ड दे विच आ रहे ने वो तुहानू किवें इंपैक्ट कर रहे ने बड़ा इंपोर्टेंट है. सानू ये भी नहीं पता कि 95% जिहड़ी साड़ी जिहड़ी लोकल रोज़मर्रा दी जिहड़ियां किसी सिटी दे विच ने जां लोकल लैवल ते ने 95% जिहड़ी ओह लोकल गवर्नमेंट तुहाडी डिसीजन मेकिंग है उही इंपैक्ट कर रही है तुहाडे स्कूल नूं तुहाडियां सड़कां नूं तुहाडे बिजनेस नूं. इस करके सानू उहदे विच इनवॉल्व होना है. पार्टी तों उत्ते उठ के जिहड़ा राइट बंदा उहनूं वोट पाओ जी. ये असी लोकल लैवल से स्टेट लैवल से फैडरल लैवल से उहदे नाल नाल एक होर मैं रिक्वेस्ट करना चाहना कि जिथे भी तुसी साडा भाईचारा बैठा है सानू ये चाहिए कि जिहड़ा भी लोकल वोट लैन आ रहा उहनूं कहो भाई साडी जिहड़ी सिख हिस्टरी है जां साडी जिहड़ी आइडेंटिटी है उहदे वास्ते साडा की करोगे. जिन्ना चिर तक असीं अपना मुद्दा नहीं रखांगे वो आके तुहाडे कोल 1000 लैंदा 5000 लैंदा तुसीं 15-20 हज़ार 50 हज़ार इकट्ठा करके दे देंदे हो. जे तुसीं अपनी उहनां अगे रिक्वेस्ट नहीं रखोगे तां उह तुहाडे वास्ते कोई गल नहीं सुनदा. गुरिंदर जी वन करेक्शन नॉट अ रिक्वेस्ट अ डिमांड. या यू नीड टू डिमांड. एग्जैक्टली एग्जैक्टली दे आर पब्लिक सर्वेंट्स. बट तुसीं ए बहुत इंपॉर्टेंट गल कीती अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ रिपब्लिकन वर्सेस बीइंग अ ट्रंप सपोर्टर. एंड इस चीज लई आई वांट टू गो टू आवर लाइव ऑडियंस. साडे नाल पहुंचे हन मिस्टर आशीष अग्रवाल जो कि एडवाइजर हन फॉर इंडियन वॉइसिस टू ट्रंप. मैं चाहती हाँ आशीष जी तुसी इस पॉइंट ते एग्जैक्टली सानू कमेंट दवो एज समवन हु इज यू नो स्पीकिंग फ्रॉम द ट्रंप कैंप हियर. टेल अस कि जो साउथ एशियन कम्युनिटी है एंड देयर आर सो मेनी ट्रंप सपोर्टर्स इन द साउथ एशियन कम्युनिटी खास करके पंजाबियों दे विच. साउथ एशियन कम्युनिटी नू क्यों ट्रंप पिछे अपनी वोट पानी चाहिए सपोर्ट पानी चाहिए. वट इज इट दैट द ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी specifically can offer to South Asians in America? Well, thank you for that question and the opportunity. First of all, I think that Donald Trump has been the best friend that Indian Americans in India have perhaps ever had in the White House. I have had the privilege of meeting with the president several times in the Oval Office during the Diwali celebrations, and he truly cares about India and South Asians. He has appointed more South Asians to senior positions in government than perhaps any president in history. He has a warm personal relationship with Prime Minister Modi. They share the same security concerns around the globe. Now I'd like to turn this to my colleague, Raju Chanthala, who is also on the advisory board of Indian Voices for Trump, for Raju's take. Thank you, Ashish. It's more important is what is important for this America. America is the number one. American nation is the first interest is American. We are all here just because of the greatest country on the planet. And we are here for our children to grow, raise our family. Education is the main important in the community. Of course, the number one is the safety. As everyone is saying, it's a local politics plays a key role, whether it's a city county councilor, whether it's a school board. We have been encouraging our South Asian community in the local
Indiana, especially as I started Indiana American Asian Political Action Committee and encouraged people to participate, at least register, participate the vote, because we don't have voice in Indiana even today, because the percentage of the votes for South Asians are very, very minimal compared to other minorities. So when the people don't go and vote and show up at the polls, it doesn't matter what party you belong to, because you're not, your voice is not heard. So that's the encouragement for everybody who has a citizenship. After long, long process, once you get citizenship, make sure you register and you go and vote, elect appropriate people in the school board, city county council, and of course, we also have elections for governor this year. We have wonderful governor. Governor Eric Holcomb is the first governor to go to India in the history of Indiana. He went to India twice in the last 4 years for economic relations. Building the relationship with India is, everybody wants to build a relationship with India, especially because of our economic growth, our talent, our manpower, the human resources available in India is nowhere comparable. So that's why it's important to have a person who can lead this country, making sure it is the country comes first and lead the country in other parts of the globe. So I would just add, if the question is why should South Asians consider voting for Republicans, I would say three reasons. First of all, you know, the economy. The Republican Party and President Trump believe in low taxes and less regulation. And whether you are Sikh, Muslim, Hindu, Christian, or something else, we all want the opportunity to grow our businesses and keep more money for our families. Second is education, as Raju said. Just this week, the Justice Department sued Yale University for discriminating against Asian Americans. And we know how important education is to all Americans, Asian Americans as much as anyone. And our community should not be discriminated against by these higher education institutions when it comes to who can get admitted. The third reason I would say is religious liberty. Republicans are committed to allowing people to practice and worship as they see fit. So when I was in the Justice Department years ago, we sued the New York Transit Authority, which had implemented a policy preventing Muslims and Sikhs from wearing turbans and himars when they went to work, but they allowed people to wear baseball caps. And the ostensible reason is that people shouldn't be allowed to wear head coverings. Well, we sued them for discriminating against Muslims and Sikhs, and we eventually won, settled that lawsuit successfully. So Republicans very much believe in religious freedom. Thank you so much, Mr. Ashish Agarwal, Voices for Trump, Indian Voices for Trump, jo sade naal is program de vich jude han. Main itthe sirf do points wale banana chahundi haan. Ik, you see this, itthe kinne diverse loki aaye hoye, apa sare ik dooje naal gal kar rahe hain. That doesn't mean we hate each other. Apa civil discourse kar sakde hain, even if you disagree. That's so important in a democracy. Dooji cheez, tuhanu pata hona chahida agar tusi registered hage vote paan layi. Federal election de vich, paave tusi Democrat registered ho, Republican registered hage, tusi ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀ ਬਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਾਊਨ ਬੈਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸਿਸ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੇ ਡਾਊਨ ਬੈਲਟ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜਸਟ ਨੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਲੋਅਰ ਬੈਲਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਟੂ ਯੋਰ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਪੈਲਸ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਮਿਸਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਜੋਹਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਰ ਸਟਰੈਂਥ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋ ਜੋਹਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵੀਰ ਚੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ਮਿਤਾ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਲਾਸਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸੋ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਸ ਟੀਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ
और बहुत सज्जणां ने बहुत सोहणियां गल्लां कीतियां पॉलिटिक्स बारे। मैं इस तो हट के थोड़ी गल करना चाहुंदा। देखो, कोई भी बिजनेस है, कोई भी गेम है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, मस्ट बी वैल एजुकेटेड, वैल डिसिप्लिनड और वैल जड़े कम्यूनिटी के काम करते हैं उन्होंने जितने लिए चंगे काम करने की जरूरत है। अज असी थर्ड जनरेशन च रह रहे हैं, इतने एक दादा है, वह पुत है, तो गांह वह पुत है। इन्हों जिन्ना चर असी ऑर्गेनाइज नहीं करते, इन्हों एजुकेट नहीं करते, किसी भी मकसद असी कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सोहना प्रोग्राम है तुसी वाइट हाउस टू योर हाउस, वेरी अट्रैक्टिव नेम, और अज लोड़ है साड़ी कम्यूनिटी जागरूक होने की। कहते हैं कि डू एज रोमन्स डू, असी इस कंट्री रह रहे हैं। मैं 84 तो आया हुआ, जिन्ना चर असी इतों के ला उसकी रिस्पैक्ट नहीं करते, अडोप्ट नहीं करते और बच्चों इतने एजुकेट नहीं करते, मेरा ख्याल है भी ये जी अचीवमेंट वास्ते आप लड़ रहे हैं ये बहुत मुश्किल है। साडे बच्चों पॉलिटिक्स दे लियाना विच लियाना बहुत जरूरी है। असी 14 दे अखीर च 2015 च एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इंडियन अमेरिकन सीनियर सोसायटी। असी दो बंद ने बैठ के वह जाए नहीं, हम मैं सी हो मैं कहते भी हूँ की करना है, रिटायर्ड है तू। मैं भी मैं 11 च आया उरे, 84 च मैं अमेरिका जाया। मैं भी मैं यह जहा कम करना चाहना जिदे कम्यूनिटी की सेवा हो, कम्यूनिटी लाभ हो। मैं कहते भी गुरुद्वारे का मैंबर बन जा, ये साढ़े प्रधान जी बैठे ने। मैं भी मैं ये कम नहीं कर सकता। कहते क्यों? मैं भी मेरा जोड़ा पास्ट है ना, मैं बॉक्सर से 4 साल मैं पंजाब चैंपियन रहा, इंटरनेशनल चैंपियन रहा, मतलब नैशनल प्लेयर रहा। मैं भी जे किसी ने गाल कढ़ती तो मेरा पंगा भेजो, मैं कम नहीं करता। प्रधान जी कहते फिर तुम ए करो, 5 बंदे की कमेटी बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ। जोड़ा ग्रीन बोर्ड का गुरुद्वारा बनया है वो 5 मैंबर ने बनाया, दास भी वो सेवादार से। उस तो बाद असी कम्यूनिटी सेंटर बनाया जिदे 35 तो 40 बंदे इस वक्त मैंबर ने साडे, और वो बंदे ने जोड़े रिटायर्ड ने जिन्हों को एक्सपीरियंस है, जोड़े वैल एजुकेटड ने, रिटायर्ड ऑफिसर ने। ढेसी साहब सानू एक तरह नंगीना मिल गए, इन्हों के नाल मिल के इन्होंने होर बंदे मिलाए, बाबा जी बैठे ने। असी बहुत सोहना काम किया, असी प्रोजेक्ट बनाया भी आप करिए। सब तो पहला कहते बच्चों एजुकेट करो ता कि इतों की पॉलिटिक्स आ जाए, साडा यह मेन मकसद है। फिर कम्यूनिटी दियाँ उलझना, डायवोर्स हो रहा, किसी की लड़ाई हो रही है, असी काउंसलिंग बनाई हुई है 5-6 मैंबर की। असी उन्होंने घर जाने, ईवन कोर्ट तक भी जाने, फट्टियां लैके भी खड़ते हैं। वी आर ट्राइंग टू एजुकेट पीपल। मेरा ख्याल है भी जो तुम प्रोग्राम कर रहे हो बहुत ही वधिया, सराहना योग है, और साडी कम्यूनिटी बहुत खुश है थोड़े उरे आने से। इन्होंने थोड़े ना कुदरती प्यार है क्योंकि प्रोग्राम ही यह जो दिन, मेरा ख्याल है भी होर बंद ने भी बोलना, मैं बहुत कुछ ना बोलता है, थोड़ा बहुत धन्यवाद करना। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। हूँ मैं अगला जोड़ा माइक आ वो साढ़े बड़े प्यारे सरदार गुरदाल सिंह अंकल जी होना दूंगा, वो कहे क्योंकि मैनू पता कि भी इन्हों की बहुत देन आ, मैं उन्नी बयान नहीं कर सकते अपने आप। दस वाहगुरु खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। जिमें प्रधान जी ने कहा, गिल साहब ने, असं जस्ट टीवी के बहुत बहुत ऋणी है, सानू ये जो जागृत करते रहते हैं, कम्यूनिटी इनवॉल्व करते रहते हैं, तो सानू जोड़ा है नवी नवी चीज़ें जोड़ी है सियासत बारे, एजुकेशन बारे, प्यार वास्ते एक दूजे ने मिलने वास्ते जोड़े सानू अटैच रखते हैं, सानू सानू सिखाते हैं। असी आउट ऑफ ट्रैक भी हो जाइए, सानू फिर जोड़ते हैं आपस में ही। सब तो वड्डा जोड़ा धन्यवाद असी जौल साहब के फैमिली इन्होंने फादर का, जिड़े जिड़े अकोमोडेट करते हैं, प्यार देंगे, बहुत बहुत प्यार देंगे ने सब, हरेक किस्म से जो सा कोई भी है जी कम्यूनिटी की हैगी है, इन्हों की बेस्ट सर्विस होंगी है, सब तो ज़्यादा इन्हों का कंट्रीब्यूशन होंगी, इन्हों की सब तो ज़्यादा प्यार है, बहुत निघे, सब तो है बहुत पोलाइट एंड वेरी 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 फ्रेंडली। थैंक यू फॉर दैट।
थैंक यू अंकल जी, थैंक यू थोड़ा आशीर्वाद आ और माँ बाप का सत्कार संस्कार ने जिहड़े दित्ते होए ने कि मैं नीमा रह के चला और मेरे ते यही आशीर्वाद दिओ सारे जने तुसी जिन्ने बड़े हो कि नीमा रह के सेवा कर सकां जिन्नी भी कर सकां। और थैंक यू सारे सिंह कंस्ट्रक्शन तो जिन्ने भी सज्जन लास्ट मोमेंट ते कल कॉल आई सी तो जिन्ने असी आए हैं दर्शन भाजी होना परमजीत संधु जी खालसा साहब थैंक यू फॉर सिटिंग ओवर देयर। उत्थे एक चेयर होर लगनी सी जिहड़ी कि स्पैशल मैं थैंक यू करदा उन्हां नूं कल कॉल की मैं भाई साहब तुसी इत्थे हो कि नहीं कहिंदे नहीं लखवीर मैं पहुँचियाँ कैलीफोर्निया कैलीफोर्निया तो इतों एक ही बंदा जाता ज़्यादातर तो बिजनेस से सारे बंदे सिर हिला रहे रणदीप सिंह चावला इंश्योरेंस कंपनी एक्सीडिंग इंश्योरेंस जेडे कि 2000 तो वो कर रहे हैं गैस स्टेशन होटल्स होम्स रेस्टोरेंट एनी काइंड इंश्योरेंस दे डू सारी लैंग्वेज बोलते हैं वो कम्यूनिटी लई और बहुत ही बिजनेस के नाल वो जोड़े साढ़े लोग समाजिक कम होंगे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा पाते वो कहें लखवीर मैं तो नहीं आवागा बट यू हैव टू प्रजेंट मी मैं इन्ने योगा तो नहीं है उन्होंने प्रजेंट कर सव क्योंकि उन्होंने काम बहुत बड़ा वा। सो थैंक यू चावला साहब तुम इस जी अज की शाम आ वाइट हाउस टू योर हाउस के सानू स्पोंसर किया जस पंजाबी मैनू नहीं जस पंजाबी स्पोंसर किया पार्टिसपेट किया थैंक यू सारे बंद आने इंडिया पैलेस वालियों तो जस पंजाबी वालियों बैक टू यू थैंक यू लकी जी सो मच कि तुसी सानू इस लोकल कम्यूनिटी के जो अनोखे एट्रीब्यूट्स हैं उन्होंने नाल थोड़ा जहा राबता कायम कराया। आई नो कि साड़ी जो व्यूअर्स नेशन वाइड वर्ल्ड वाइड वेख रहे हैं उन्होंने इस चीज़ के नाल बहुत लगाव है बिकॉज जो साडे बुजुर्ग हैं जिस तरह तुसी सानू दस रहे सी ओ साडे पिलर्स हैं उन्होंने सानू अगे रस्ता दिखाना है। मैं जरूर लेकिन गल करना चाहती हाँ सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट गल छेड़ी इत्थे कि सानू अपनी यंगर जनरेशन नू पहले एजुकेट करना पैना। मैं उदे बारे गल करना चाहती हूँ बिकॉज जो साडे नाल बैठे हुए डेज ते उन्हां दे कुछ एक्सपीरियंसिस इहो जे हैगे जो कॉन्ट्रेरी जांदे है दैन वट यू प्रोबेबली थिंक। सानू लगता है कि जो यंग बच्चे उन्होंने तो वोट पानी पानी है उत्थे अधिकार लैके आया है उन्हां दे कोल वोट पाउण दा बिल्कुल हक हैगा बट दैट्स नॉट द केस। गल इहते होएगी ब्रेक तो उस पार। ब्रेक तो बाद मुड़ हाजिर होया लैके वाइट हाउस टू योर हाउस। मैं तुहानू ब्रेक तो पहले दस्या सी कि सानू लगदा है कि जो साडी यूथ है वो बहुत इंगेज्ड है एंड मे बी दैट्स ट्रू टू सम एक्सटेंट। उहदे बारे मैं गल करना चाहती हूँ पर आई वांट टू मेक वन क्विक करेक्शन। मैं तुहानू पहले सैगमेंट किया सी कि अगर तुसी रजिस्टर्ड रिपब्लिकन हैगे तुसी किसी भी प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट लई वोट पा सकदे हो पर डाउन बैलेट तुसी सिर्फ रिपब्लिकन कैंडिडेट्स लई वोट पा सकदे हो। इहदे विच करेक्शन हैगी प्राइमरीज विच ना कि नवंबर 3rd दे मेन इलेक्शन दे विच ए चीज़ लागू नहीं हुंदी। ए चीज़ सिर्फ प्राइमरीज विच लागू हुंदी है कि तुसी अपनी पार्टी ले ही वोट पा सकदे हो। अदरवाइज भावें तुसी डेमोक्रेट रजिस्टर्ड हो रिपब्लिकन रजिस्टर्ड हो नवंबर 3rd नूं जो तुसी जाके वोट पानी है कैंडिडेट्स बारे रिसर्च करो बिकॉज पार्टी डज नॉट मीन कि वो कैंडिडेट नैसेसरली तुहाडे हक की गल करदा है। बट नाउ कमिंग टू द यूथ वोट जो साडी यूथ है जो इत्थे दे हकदार हन वोट पाउण दे उन्हां दा की जज्बा है उन्हां दा की माइंडसैट है वोट नूं लैके। परमजीत जी साडी गल हो रही सी ब्रेक तो पहले तुसी अपने बच्चियां बारे सानूं दस रहे सी उन्हां दा की एटीट्यूड है वह इत्थे दे जम्मे पले हैगे वह बिजनेसमैन हन यंग एंटरप्रेन्योर्स हन तुहाडी अगवाई नाल वह बड़े होए इत्थे बट उन्हां दा वोट नूं लैके कोई इन्ना वड्डा इंटरस्ट नहीं है। तुसी उन्हां नूं किस तरह इंस्पायर करदे हो ताकि वह जाके अपना हिस्सा लैन इस इलैक्शन दे विच। अशफा जी तुम बहुत वधिया सवाल चुकया क्योंकि जिहड़ी साडी यंग जनरेशन आ असीं मैं कल्ले अपने बच्चों नाल गल नहीं करदा मैं बहुत जिहड़े मेरे फैमिली ग्रुप आ जां मैं कम्यूनिटी दे विच विचरदा आ जिन्ने भी मैं क्योंकि मैं एक मिडल च आ गया उस टाइम यंग सी ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿਤੇ ਹੂ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਟੂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਬੱਚੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋਬਾਂ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ
हसबेंड वाइफ सर साढ़े को टाइम नहीं आई बच्चे को ट्रकों ने चढ़ गए को कि चढ़ गए साढ़े को टाइम नहीं बच्चों एजुकेट करने वास्ते असी बच्चों बैठने वास्ते जिन्ना भी टाइम है जिन जो भी आ मैं आप उस चीज़ चो विजर हाँ मेरे दो बेटे जवान होए आ पढ़े आ पढ़ के चलो आप अपने बिजनेस से लगे अपने बिजनेस किए उन्होंने साढ़े को जिन्ना भी टाइम मैं भी उस विचर हाँ जिन्ना भी टाइम साढ़े को हफ्ते एक दिन हाँ दो घंटा अद्धा घंटा अभी अपने बच्चे ना बैठीए उन्होंने एजुकेट करिए हाँ भी सानू उत्थे की आ सानू की लोड़ा आ सानू तो साढ़े इतों तो यह नहीं सूँ पता सूँ भी साढ़े बच्चे का टीचर कौन स्कूल इतों तो होर यूथ पर जाना क्योंकि असी पेरेंट्स मीटिंगों के भी जा सा रंझेवे ही इन्ने क्योंकि असी बाहर ट्रक चलाना मंडे तो फ्राइडे सैचरडे तो अं ट्रकों के रह रहे हैं ना तो सूँ जिन्ना भी है असी अपने बच्चे हूँ साढ़े पढ़ के गाह बहुत वधिया अपने मेरा ख्याल है पहला मुंडा आ पंजाबी जिहड़ा आ सी पी ए बन के उन्हें अपना ऑन ऑफ शुरू किया एक जिते वो भी बहुत वधिया किया बाकी मुंडे आ कोई जॉबा के वधिया जॉबा के भी गए आ बढ़िया वधिया जॉबा के जा रहा है इस टाइम पर बहुता रुझान यह आ भी साडा डैडी ट्रक चला बहुत वधिया पैसे बना रहा असीं भी ट्रक ल जाइए पर यह नहीं अपने बच्चे को खुला छड्डो भाई तू ट्रक ट्रक की जॉब जो मर्जी कर ला ये तो असीं इंडिया उठ के आए हैं नॉन एजुकेशन बंदे असीं वो काम कर रहे हैं ये जो मर्जी जो बच्चे इतने एजुकेशन हुए एजुकेट है इतने के उन्होंने भाई उन्होंने खुला छोड़ो तुम अपनी जॉबा लभो तुम गांह कम्यूनिटी के विचरो तुम पॉलिटिक्स के आओ तुम गांह अगर पॉलिटिक्स किदा बदलना है किनू वोट करनी है की हिसाब किताब आ अपनी छोटी छोटी इलैक्शन शुरू तो लड़ो बच्चों अपने उन्होंने इलैक्शन के भाग लै पार्टीसपेट कराओ तुम क्यों फिर ही जे घर तो शुरू करा फिर ही अवेयरनैस गांह वधूगी पर तुम सब तो मैं यही संदेश सारा नैशनल टीवी बैठे दे रहा भी अपने बच्चों जरूर अवेयर करो भी ताड़ा वोट का अधिकार आ यदि वोट की वैल्यू की आ रही पावर की आ वो जरूर करके तुम अपनी मर्जी का कैंडीडेट चूज चुन सकते हैं जरूरी नहीं तुम प्रेजीडेंट लिए वोट करनी है दूसरे बहुत थले बड़े सैनेटर आ बहुत आ जो तुम स्कूल के एजुकेशन वास्ते बहुत चीज़ा है उस चीज़ लिए जो तुम अपने घर तो शुरुआत करोगे फिर ही बाहर होनी है तो बाकी तुम मेरे वीर जिन्हें भी आ मैं संदेश ट्रकों पर भी जाने जो भी आई सिर्फ अपनी आइडेंटिटी बारे जरूर हर एक दसो आइडेंटिटी की है जो भी आई लग पिंपला छपा लो मैं पहले भी गया नहीं कर सकते अपनी आइडेंटिटी बारे जरूर दसो आइडेंटिटी की परमजीत जी इतने मैं एक होर छोटी जी गल मेंशन करना चाहती हूँ बिफोर वी गो टू द ऑडियंस तुम आइडेंटिटी बारे गल कर रहे थे मैंने एक होर छोटी जी स्टोरी दसी कि किस तरह गुरुद्वारे के नाल रल के जुलाई 4th परेड के किन्ने हज़ारों कैंडी के बैग्स में पैम्फलेट पा के अपने सिख आइडेंटिटी बारे वंडे उस चीज़ किन्ना फायदा साड़ी कम्युनिटी नूं होया इट्स अंडरस्टेटेड बट साडे नाल ऑडियंस विच जुड़े हन कुछ यूथ मैंबर्स इस कम्युनिटी दे जोहल जी मैं चाहवांगी उना तो भी आपां सुनीए उना दी की फीलिंग है इस इलेक्शन नूं लैके एंड वोटिंग इन जनरल की तुसी वोट पाओगे की तुसी केयर करदे हो हिस्सा लैण लई इस इलेक्शन दे विच और इन जनरल इन पॉलिटिक्स थैंक यू जी बच्चे जिकन कहंदे बच्चों नूं जोड़ना साडे नाल बच्चे जुड़े होए आ संदीप भाजी दा बेटा आया होया वा सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी तो वह बोलेगा भाजी साहब पहला तो थैंक यू तुहाडा बेटा तुहाडे नाल तुरदा वा उठ के इदां दे फंक्शन चाहुंदा नहीं तो मैं कल अपने बेटे नूं कहा मैं कहा वी हैव टुमारो यू नो इवेंट वाइट हाउस टू योर हाउस कहिंदा ही व्हाट इट वाज अ लिटल बिट स्केयर्ड टू मी ऑल्सो ही से आई सी द डिबेट ऑफ प्रेजिडेंट दैट डिबेट इज नॉट इवन लाइक थर्ड ग्रेड debate. It was no meaningful and kids know about, you know, the kids watch these things. But thank you, Baji. Tusi mubarakan de haqdar ho, tade bacche naal turde ne. Te tinna nu main Noor nu bhi, Panje nu bhi, Gurpreet nu bhi, tinna chon mic lai ke dasso tuhada school de vich ki experience reha, log sade bare ki soch reha aur tusi ki soch rahe ho sade bare. क्योंकि तुहाडे पेरेंट्स ने आके जिकन उन्नी एजुकेशन नहीं सी उन्होंने आके मेहनतां कीतियां थोनू एक ऐसे लैवल ते खड़ा करता कि यू ड्राइव when you drive in BMW or G-Wagon to school and how people see that way, okay, are these people coming from different country and they are above us. So please share with us. Saranu Sapta Bala Sasrikal, and I want to thank the Just Punjabi viewers for taking your valuable time and watching us. Question, buddy. Election experience, I think, is very important to vote. Kyun? Because jede vi apne president hege a, you know, they're making rules for our country, and selecting the right president is a very big thing because those rules and regulation regard to us. So,
I think it's very important to vote. What you say about election? So how do you feel? I mean, it's a good thing. I mean, the young generation, we all need our voices to be heard. So you our voice as a parents need to say, but just our voice, you know. Why not you come to this thing, sir? We present our community, you will talk better than us. If we do, it's a better thing, but I think this generation, it's like it's more quiet. You have to speak up, you know. Yeah, we have to speak up. Yeah. Thank you. Thanks for your valuable time. And thank you again. Back to you. Thank you, Johal ji. Thanks to see this program. I think, Johal ji, this is the important gal ek hai hai ke sade layi ta ek common hai apa kathe hunde ha is tarah gal karde ha age group ek common cheez hai but jo bacche ho ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ ਇਟ ਦ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਆਫਰ ਦਮ ਸਮਥਿੰਗ ਮੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੱਡੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਹਾ ਹਾਰ ਦੇ ਵਰਕ ਜਗਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਬਲੀਵ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਈ ਕਮ ਟੂ ਹਿਮ ਯੂ ਨੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀਏ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਿਡੀ ਗੱਲ ਕੇ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਫੰਡਸ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇ ਨੈਵਰ ਦੇਅਰ ਟੂ ਅਸ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਸੰਬੜੀ ਹੂ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਵਰ ਵੋਇਸ ਜੀ ਟੂ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਪਲ ਵੋਟਡ ਪੀਪਲ ਕਿ ਲੁੱਕ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਯੂ ਯੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਨੋ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਅਸ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਈ ਕੁਡਨ ਫੋਰਗੈਟ ਦੈਟ ਡੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਰ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਾਬੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਬੇ ਖਵਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲਖਵੀਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਖੇੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਆ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਅ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਵ ਐਂਡ ਪਿਆਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਫੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲਖਵੀਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ AMS ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਾਰਾਂ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਾ ਯੂ ਨੋ ਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਯੂ ਨੋ ਥੈਂਕ ਟੂ ਗਾਡ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੀ ਹਿਮ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਮ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋਹਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ ਕਲੈਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਕਨੋਮੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਂਟਰਪ੍ਰਨੋਰਸ਼ਿਪਸ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਮੈਰੀਕਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਟੂ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਟੂ ਯੋਰ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਅਨਨੈਪੋਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਂਟਰਪ੍ਰਨੋਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੇਸ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜੁੜੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਹੈਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਨ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਂਟਰਪ੍ਰਨੋਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਈ ਮੈਨੂੰ 1,000-2,000 ਡਾਲਰ ਪੈਨਲਟੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪਾਉਣੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਲਈ ਪਾਵਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਰ ਟਰੰਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੌਹਰ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਜਿਮੀ ਭਾਅ ਜੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਲਾਡੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਲਾਡੀ ਆ ਉਹ ਲਾਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੋਟ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਸੀਕਰੇਟ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵੋਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਸੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆ ਬਾਕੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਟਿੱਕ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਵੀ ਆਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬਾਏ ਚੋਇਸ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਬਲੈਸਡ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਾਂ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਡਿਗਨਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਸਟਿਸ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਸ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਰਡ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੀ ਹੈ ਚੈਲੰਜ ਦ ਡਿਗਨਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਲੋ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਸੋ ਮੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਈ ਸਪੋਰਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੀਅਰ ਲੋਕਲ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬਟ ਦ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅਬਵ ਆਵਰ ਪਾਰਟੀ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੋਟ ਫਾਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਨੀਡਸ ਟੂ ਟਰੰਪ ਆਊਟ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੇਰੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਆਫਕੋਰਸ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦ ਲਾਈਵ ਆਡੀਅੰਸ ਐਂਡ ਆਫਕੋਰਸ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਜੀ ਜੋਹਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਮੈਸੇਜਿਸ ਐਂਡ ਆਫਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ
एज ए प्रोफेसर टीचर रहे हैं उन्होंने इन्ने बच्चों जो मैं देखता हूँ गुरुद्वारे कोई बंदा आता सी आके इन्होंने पैरी पै जाना होंगे सर ये पछाणते नहीं तुम मैं पढ़ाया हुआ सो दैट्स व्हाट इज ही रिस्पेक्ट अजो जो बैठे ने इतने तो मेरे ख्याल उन्होंने सारे विद्यार्थियों दिन स्टूडेंट दिन ने दुआवां ने और इन्हों की सेहत तंदुरुस्त रहे असं भी करते हैं तुम सारे जने दुआ करो और लास्ट मैं मेरा वीर रविंदर सिंह सोढ़ी उन्होंने बोलना और मैं थैंक यू करदा नरेंद्र सिंह शेरगल माई पार्टनर जसकरण गरेवाल गुरप्रीत सिद्धू विक्की विक्रमजीत डिप्टी भाजी साढ़े रॉयल एंटरटेनमेंट के मैंबर वो पहुँचे ने बाकी दूर ने नहीं आए उन्होंने हाजिरी भी लवा देना जस्सी वीर मेजर गरेवाल होनी सरबजीत भीर थैंक यू सारे का घर बैठे वाच करते होने पर उन्होंने पनिशमेंट असं बिहाइंड द सीन देवे सोढ़ी साहब जस पंजाबी के सारे दर्शकों जिन्हें व्यूअर्स है मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल मेरा नाम भुपिंदर सिंह है मैं 2005 इतने आया तो आके जिदा भाजी हुणी कहा सरदार सिद्धू साहब ने कहा कि सब तो बंदे की पहला लोड़ हुंदी है कि अपार्टमेंट तो घर लवे घर तो बाद फिर अपने बच्चों वल देखता आ सो यही चीज़ों असी फॉलो किया 10-12 साल की मेहनत की कई मैंटोर रहे तो मैंटोर दे विच मैं नाम लेना चाहगा दर्शन सिंह दरड़ दा उस तो बाद हैप्पी हीर साढ़े प्रितपाल सिंह गोत्रा तो इन इन्हों सारे भरावां की देन करके चलो अपना एक छोटा जा बिजनेस किया फिर बिजनेस किया थोड़े जे सैट होए तो कोशिश की कि हुण आपां नैक्सट स्टैप की करिए बच्चों थोड़ा जे एजुकेट करिए असी लैके गए बच्चों स्पोर्ट्स लैवल पर तो तुसी बिलीव नहीं करना अज भी मियामी हीट्स ते लेकर्स की गेम चल रही है फसवा मुकाबला है हाफ टाइम होया दो मिनटा बाद बच्चे टैक्सट मैसेज कर रहे हैं कि अज की होएगा ठीक है जी सो वो भी एक दिलचस्प मुकाबला आ उदे विच भी सानू जरूर ध्यान देना चाहिए आ चाहे वह कोलसी गेम है चाहे वह बास्केटबॉल की गेम है सानू पूरी कोशिश चाहिए है कि असी अपने बच्चों का पूरा रुझान उस पासे रखिए ताकि असी इत्थे दूजा पंजाब क्रिएट ना करिए उस तो बाद फिर हुण गल आ गई अपनी पॉलिटिक्स की जस पंजाबी ने बहुत वधिया प्लेटफॉर्म एक साझिया दर्शन भाजी आए सिद्धू भाजी आए लखवीर भाजी ने बहुत वधिया किया खालसा जी तो साडी मुलाकात होंदी रहिंदी हरेक वधिया प्लेटफॉर्म पर पर कोशिश यह है कि हुण एक होर सोच मिली है कि गाहां नूं आपां होर वधिया करिए थोड़ा जिहा पॉलिटिक्स दे विच वी ध्यान देवांगे बाकी जिनी की सेवा लखवीर भाजी ने ला देनी है साढ़े लाडी भाजी ने ला देनी है तो आप जरूर उत्थे खड़े होवांगे सो इन मैंटोर का भी मैं धन्यवाद करता हाँ प्लस मैं इन्हों कहना हूँ कि तुसी प्लीज़ बढ़ चढ़ के हिस्सा असी सारे जाने पाइए एंड वी ऑल शुड वोट तो आप जेदा भी नहीं किसी का वोट किया रजिस्टर किया तो आप वोट ले रजिस्टर कराइए तो थोड़ा सारे का थैंक यू जी धन्यवाद जी थैंक यू की स्पोर्ट्स के भी साढ़े भरा दर्शन दड़ जी का फिर ना आता हरविंदर सिंह वालिया जिहड़ा न्यूयॉर्क तो आके बाद उन्हें कबड्डी एक नवा चंद लाता सीगा इधर इंडियाना दे विच भी लास्ट ईयर भी इन्होंने किया ये फुटबॉल के मैच कराते फुटबॉल के नाल नाल इन्होंने कबड्डी कराई होपफुली वी विल सी अगेन कबड्डी तो साडे बच्चों को कबड्डी देखने को मिले तो स्पोर्ट्स वाल अपने आप ही जाता ध्यान बैक टू यू थैंक यू सो मच हाँ जी हाँ जी दराज जी दसो अगर तुहानू कुछ नहीं मिलिया मैं तुहानू दस दिंदी हां सिंपल मैसेज है वोट पाओ अगर तुसी रजिस्टर्ड नहीं हैगे लेकिन तुसी इत्थे दे सिटीजन हो रजिस्टर अपने आप नू कराओ तुहानू ओहदे लई हैल्प चाहीदी है सानू दसो देयर इज़ वैबसाइट्स मैं तुहानू सिंपल दस सकदी हां vote.org एक वैबसाइट हैगी तुसी उत्थे जाके रजिस्टर हो सकदे हो तुहानू इन परसन हैल्प चाहीदी सानू कॉन्टैक्ट कर सकदे हो कोई भी कम्यूनिटी दे तुहाडे गुरुद्वारे लाइब्रेरी कोई भी पब्लिक ऑफिस तुहानू इस चीज़ लई हैल्प कर सकदी है अगर तुसी वोट नहीं पा सकदे लेकिन फिर भी तुसी वॉलंटियर कर सकदे हो जागरूक हो सकदे हो इलेक्शन
बारे, इशूज बारे, कैंडीडेट्स बारे वह समा जरूर आएगा जो तुम भी वोट पा सकते हो। अज ला यही प्रोग्राम इतने समाप्त होंगे है। साढ़े लिए कोई क्वेश्चन कॉमेंट्स कंसर्न जरूर सूँ लिख सकते हो ashmita@justbroadcasting.com info@justbroadcasting.com। इस तरह तेरे अगले हफ्ते मिलेंगे लेके एक होर एपीसोड ऑफ द वाइट हाउस टू योर हाउस। थैंक यू, सत श्री अकाल।